हाय फ्रेंड्स, आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये हमारा 75th इंडिपेंडेंस डे है। आज़ादी को 75 साल हो चुके हैं और मेरे हिसाब से आज़ादी के मायने ये होने चाहिए कि आप जो चाहो अपनी एक संवैधानिक लिमिट में रह के बोल सको। आप अगर कोई बिजनेस आइडिया है उसको कर सको, रेगुलेशन में आपको बहुत ज़्यादा ना फंसाया जाए कि आपका वो आइडिया मर जाए। अगर आप स्पोर्ट्स में आगे जाना चाहते हो तो इतनी सुविधाएं होनी चाहिए कि आप कभी रुको नहीं। ओलंपिक मेडल सेलिब्रेट करना अच्छी बात है, लेकिन ओलंपिक के सपने कितने लोगों के मरते हैं हर साल, उन चीज़ों को कम करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे हिसाब से उन सभी को आज़ादी होनी चाहिए कि अगर उनमें टैलेंट है तो उनको आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। और अगर आप पैसा कमाने का आप में गट्स है, हिम्मत है, तो आप जितना पैसा कमाना चाहें उतना पैसा आप कमा पाएँ। तो मेरे हिसाब से आज़ादी के ये सभी मायने होने चाहिए। और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट में जॉब छोड़ के करूँगा, जॉब में मुझे आज़ादी नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि स्टॉक मार्केट एक बिज़नेस है, बहुत एफर्ट लगता है, बहुत डेडिकेशन चाहिए, बहुत कठिन समय आएगा, आपका पेशेंस टेस्ट किया जाएगा। जॉब में मैं कह सकता हूँ आपको एक डिफाइंड स्ट्रक्चर में आपको चलना है, मंडे टू फ्राइडे या मे बी सैटरडे आपको चलना है, एक दिन छुट्टी है। लेकिन बिज़नेस में कभी कोई छुट्टी नहीं होती। ट्रेडिंग में कई लोग बोलते हैं जो दिल से ट्रेडिंग करते हैं, आप उनसे पूछना, वो कभी संडे टू मंडे उनके लिए कोई एक रेस्ट डे नहीं होता। जब टाइम मिलता है तो एनालिसिस करना है, कुछ देखना है। अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो आपको लगातार कंटेंट बनाते रहना पड़ेगा, आप रेस्ट नहीं कर सकते। तो मेरे हिसाब से आज़ादी आपको तब मिलेगी जब आप उस टाइप का एफर्ट डालोगे, नौकरी से आज़ादी या बॉस से आज़ादी, जिस चीज़ से भी चाहिए। फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत सारे लोगों को चाहिए, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या है? फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है कि आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और आपका जो भी मेहनत आज आप कर रहे हो या अगले 2 साल में करोगे, जो बिज़नेस बनाओगे, वो आपको इनकम देता रहे। तो ये सभी चीज़ें कहने में आसान लगती हैं, इतना आसान नहीं है करना। मैं आपको बता दूं कि मुझे जॉब छोड़े हो गए करीब 1.5-2 साल, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जॉब में मेरी सैलरी जितनी, मतलब जॉब के बराबर सैलरी इनकम कमाने के लिए भी बिज़नेस में बहुत मेहनत लगती है। अगर आपकी सैलरी बहुत अच्छी थी तब आपको और ज़्यादा मेहनत लगती है। तो अगर आप हाई लेवल पे हो और आप अपनी जॉब से आज़ादी चाहते हो तो मेरे हिसाब से रुक जाइए, टाइम लगेगा, लेकिन दोनों इनकम जब तक आ रही है बहुत अच्छी बात है। तो बहुत सारे मायने हैं आज़ादी के, बहुत सारी चीज़ें हैं। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि आप कोशिश करें कि अपने दिल में जो भी अरमान हैं, जो भी पॉइंट्स हैं, उनको आप अचीव करें और कोशिश ये करते रहें कि गिव अप नहीं करना है, क्योंकि एक दिन में सक्सेस नहीं आएगी। अगर आपको लगता है कि आपको करोड़ों रुपए कमाने हैं तो आपको टाइम लगेगा, अगर आपको लगता है लाखों रुपए कमाना है तो उसमें भी टाइम लगेगा, अगर आपको लगता है कि जॉब छोड़ना है उसमें भी टाइम लगेगा, अगर आपको लगता है कोई भी चीज़ बिना टाइम दिए और फटाफट हो जाने वाली है तो ये सबसे बड़ी गलती है। तो मेरे हिसाब से आप मेहनत करते रहिए, आपको जो भी ड्रीम्स हैं उनको लिखिए, उनकी तरफ देखते रहिए और फिर एक प्लान बनाइए, उस प्लान को फॉलो करिए। शॉर्ट टर्म प्लान, मीडियम टर्म प्लान, लॉन्ग टर्म प्लान, इस तरीके से डिवाइड करिए। और ये आपका जो अगला 1 साल होना चाहिए, अगले 15 अगस्त को जब हम मिलें, तो आप एटलीस्ट ये कह पाओ कि हाँ, मैंने आज एक डिसीजन लिया, मैंने उसके लिए प्लान बनाया था, 100% नहीं लेकिन 70-80% मैं उस प्लान को कंप्लीट कर चुका हूँ। तो ये मेरे हिसाब से इस 15 अगस्त को सेलिब्रेशन करने के मायने हैं, या फिर मेरा मैसेज है आप सभी को। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस, एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।